नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट फोर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रदेश भारत में कौन कौन सी चीज़ों में प्रथम है। इससे पहले के तीन पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान जीके सर्च कीजिए और पहले के तीन शुरू के वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि प्रदेश भारत में कौन कौन सी चीज़ों में प्रथम है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देश का पहला राज्य जहां पर 13 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। जी हां दोस्तों, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 13 अप्रैल 2011 को यानी अशोक गहलोत की सरकार में सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद जो पर्यटन क्षमता का विपणन करने हेतु पहली बार पाटा स्वर्ण पुरस्कार यानी पाटा का जो स्वर्ण पुरस्कार है वो सबसे पहले राजस्थान को मिला था और ये दिया जाता है पर्यटन क्षमता में विपणन यानी विस्तार करने, पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान देश में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन पूरे भारत में किया जाता है। यहाँ पर जितने भी सीमेंट की कंपनियाँ हैं उन सब के कारखाने लगभग राजस्थान में हैं। जयपुर में बॉल बीयरिंग का एक सबसे बड़ा कारखाना है जो कि एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अलावा डाक विभाग द्वारा राजस्थान के उदयपुर और अजमेर मंडल में ट्रैक एंड ट्रेस सेवा का प्रारंभ की गई थी। ऐसी सेवा प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, यानी कि राजस्थान में जो है सबसे पहले राजस्थान का जो डाक विभाग है उसके द्वारा ट्रैक एंड ट्रेस यानी आपका जो लेटर है या आपने जो भी चीज़ कुरियर की है उसको ट्रैक करना कि वो किस जगह पहुंची है, ट्रेस करना, ये सारी जो ऑनलाइन सेवा है ये सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई। इसके बाद में सूचना के अधिकार यानी कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, को सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था। राजस्थान में ये कानून लागू किया गया। वोलेस्टोनाइट जो कि एक तरह का धातु है वो राजस्थान में ही सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि 1969 में इस काम में राजस्थान का जो सिरोही ज़िला है वो प्रथम स्थान पर था। अब जो वर्तमान में है पाली ज़िला है वो प्रथम स्थान पर है वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में। अब बात करते हैं कि और जो यहाँ पर खनिज मिलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें फ्लोराइट है जो कि डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा जास्पर, संगमरमर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, चांदी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, घिया पत्थर, तांबड़ा आदि राजस्थान में सर्वाधिक होता है, यानी पूरे भारत में राजस्थान को इन सब खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जैविक खेती को लागू करने वाला। विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ये राजस्थान पूरे भारत में किन-किन चीज़ों में प्रथम है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा हेतु जो पृथक निदेशालय की स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। स्थायी लोक अदालतें पूरे राज्य में गठित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। निःशुल्क जेनरिक दवाइयों का वितरण प्रारंभ करने वाला राजस्थान पूरे भारत में पहला राज्य है। शिक्षा का हक अभियान देश में राजस्थान से सबसे पहले शुरू हुआ और 2009 में चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट है वो राजस्थान में लागू हुआ और 2010 में पर्यावरण नीति को लागू करने वाला भी राजस्थान
देश में पहला राज्य है। मेहंदी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए जो सुनवाई का अधिकार अधिनियम है उसको लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो आपने देखा है कि बहुत सारे जो ऐसे कानून और सुविधाएं हैं जिनको राजस्थान ने, या नीतियां ऐसी हैं जिनको राजस्थान ने सबसे पहले पूरे भारत में लागू किया। अब कुछ और जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिनमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। तो शुरू करते हैं झुंझुनू से। तो झुंझुनू में राजस्थान का प्रथम और देश का पांचवा गर्दब अभयारण्य ढूंढलोद में स्थित है। ढूंढलोद झुंझुनू का एक तहसील है। इसके अलावा पिलानी में प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज है, जो कि मतलब पूरे देश का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज सबसे पहले यहाँ पर बना। और झुंझुनू के गोरीर में, इस नाम को आप ध्यान से याद रखें, गोरीर में पहला 100 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा का संयंत्र सबसे पहले लगा। और ये अपने आप में देश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र था। इसके बाद में देश की प्रथम खनिज कार लाइब्रेरी अक्वाली गांव, झुंझुनू के अक्वाली गांव में स्थित है। ये पूरे देश में पहली ऐसी खनिज कार लाइब्रेरी थी। देश का पहला जो निर्मल गांव है वो झुंझुनू का बख्तावरपुर है। बख्तावरपुरा जो झुंझुनू का गांव है वो देश में सबसे पहले निर्मल गांव घोषित किया गया था। अब बात करते हैं हम अगले ज़िले की, तो उसमें है सीकर। सीकर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि देश में प्रथम है? तो 63वां जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 2012 को, तो दिल्ली के राजपथ पर वायुसेना की परेड करने वाली पहली भारतीय महिला वो सीकर ज़िले के अजीतगढ़ कस्बे की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत बनी थी। यानी ये गौरव भी राजस्थान के ही सीकर ज़िले को प्राप्त है। इनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत। अगला ज़िला हम देखते हैं, तो अगला ज़िला है भरतपुर। भरतपुर में देश का पहला जैव उर्वरक का कारखाना जो है भरतपुर में स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं, तो कोटा जो ज़िला है यहाँ एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कोटा के केथुन तहसील में स्थित है। एकमात्र विभीषण रावण के जो छोटे भाई थे उनका एकमात्र मंदिर केथुन में स्थित है पूरे देश में। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जो ज़िला है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में पहला जो अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चलने वाला जो बिजोलिया का किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये भीलवाड़ा में शुरू हुआ था। इसको विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था। ये पहला अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन था पूरे भारतवर्ष में। अब देखते हैं हम उदयपुर। उदयपुर में पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय जो है वो पूरे देश में, पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर में ही खुला। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो कि उदयपुर में निर्माणाधीन है, ये भी देश में अपने आप में पहला ऐसा पार्क है। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा देश का पहला डिजिटल मैप भी उदयपुर का ही बनेगा, इसकी प्रक्रिया जारी है। अगला जो ज़िला है वो है राजसमंद। राजसमंद की आकृति है तिलक के समान। तो राजसमंद ज़िले का जो गौरव है वो ये है कि भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब राजसमंद के रेल मगरा में स्थित है। पूरे देश में ये पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट हब है। अब चलते हैं बाड़मेर ज़िले में। तो बाड़मेर में पहली ओरण पंचायत का गठन बाड़मेर के ढोक गांव में किया गया था और ये पूरे देश में पहली ऐसी पंचायत थी। शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन, यानी पूरे देश में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर शराब की बिक्री की जाती है, ये है मोनाबाव रेलवे स्टेशन, जहां पर पाकिस्तान से जो है ट्रेन आती जाती है। अब अगला ज़िला जो है वो है आपका बीकानेर।
तो बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, इसका मतलब देश की भी सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। इसी के अलावा एशिया का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का भरूखेड़ा बीकानेर में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ये देखिए, एशिया का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट का, और सौर ऊर्जा का था जो 100 किलोवाट क्षमता का, वो कहाँ था? झुंझुनू के गोरीर में। वो सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का है। नेक्स्ट जो है कि बीकानेर में देश और राजस्थान का पहला जैतून रिफाइनरी खोला गया है लूणकरण सर में। अगला जो हमारा जिला है उसमें है नागौर। नागौर जो है यहाँ पर देश का पहला आदर्श लवण पार्क नागौर जिले की नावा तहसील में स्थापित किया गया, आदर्श लवण पार्क। इसके अलावा भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका शुभारंभ भी बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा किया गया। ये भी नागौर को ये गौरव प्राप्त है कि देश का पंचायती राज का जो व्यवस्था है वो 1959 में नागौर में बगदरी गांव से शुरू हुई। इसके अलावा देश की पहली जो रेल बस सेवा है, यानी रेल को बस की तरह यूज में लेना, वो 12 अक्टूबर 1994 को 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य नागौर में ही शुरू की गई। दोस्तों, अन्य जो ज़िले हैं जिनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि राजस्थान और देश में प्रथम स्थान पर है, तो एक ही वीडियो में सभी ज़िले कवर नहीं हो पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं उनको कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।